बॉलीवुड में 80 के दशक के एक ऐसे अभिनेता जो अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बन गए, मगर उनकी सफलता से उस दौर के कुछ स्टार अभिनेता अपने आप को अनसिक्योर महसूस करने लगे और उन्हें कई फिल्मों से भी निकलवा दिया गया। हम बात कर रहे हैं जबरदस्त पर्सनैलिटी वाले हेमंत बिरजे की। साल 1985 में आई फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले हेमंत बिरजे हीरो बनने से पहले मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। उसी दौरान डायरेक्टर बी सुभाष की नजर उन पर पड़ी। वे अपनी फिल्म में एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे थे जो दिखने में ताकतवर हो मगर शर्मिला भी। ऐसे में उन्हें हेमंत बिरजे में दोनों क्वालिटी मिल गई, क्योंकि हेमंत बिरजे को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था। उन्हें साल 1984 में मिस्टर इंडिया ग्रुप विनर भी चुना गया था। हेमंत बिरजे एक्टर बनना नहीं चाहते थे और वे एक्टिंग करना भी नहीं जानते थे, इसलिए बी सुभाष ने उन्हें महीनों तक ट्रेनिंग दी, तब जाकर कहीं वे कैमरे के सामने आए। 13 दिसंबर 1985 को रिलीज हुई फिल्म टार्जन में उनके साथ किमी काटकर ने कई जबरदस्त बोल्ड सीन भी दिए। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इन्हें टार्जन के नाम से पुकारा जाने लगा। फिल्म के हिट हो जाते ही हेमंत को एक दो नहीं बल्कि 107 फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन कई फिल्मों से उन्हें निकलवा दिया गया। वजह थी उनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से उनके साथ नजर आने वाले दूसरे हीरो उनके सामने डायलॉग बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। शूटिंग पे साहब मैं पहले दिन आया, धर्म जी ने देखा, ओ अर्जुन इत्या ये केड़ा हीरो ले आया, इसकी हाइट भी है, बॉडी भी है, दिखता भी अच्छा है, मैं इसके साथ डायलॉग नहीं बोलूंगा। कई एक्टर्स ने तो हेमंत को फिल्मों से इस डर से निकलवा दिया था कि कहीं दर्शक हेमंत की वजह से उन्हें इग्नोर न कर दे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताया था कि संजय दत्त और सलमान खान उनकी बॉडी से इतने प्रभावित थे कि वे उन्हें देखने के लिए सेट पर आया करते थे। आप यकीन करेंगे, संजय दत्त रोड के उस तरफ गाड़ी पार्क करके उधर से भाग के आके गले मिलता था, इज टू लव माय बॉडी यू नो, और सलमान खान तो उनसे बॉडी बनाने की सलाह लिया करते थे। सबसे बड़ा एग्जांपल सलमान खान ही, वो तो बैठा ही रहता था मेरे सामने दो दो घंटे पूरा टाइम। भाई अभी इसके अलावा उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में केवल मिथुन दा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। वे हमेशा मुझे अपना छोटा भाई समझते थे। मैंने उनके साथ लगभग 20 फिल्मों में काम किया। कल अदालत में आकर जमानत करा लेना। जब हमारा पाप हवालात में होता है तो अदालत हमारी जेब में होती है। केवल उन्हीं की वजह से मेरा फिल्मी करियर आगे चल सका। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बस जो गुनाह तुम गिना रहे हो वो सब हमारे कानूनी हक है। कौन सा कानून?